बातें आपसे करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी क्या है, कैसी है, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। मगर दोस्तों, इस देश के अंदर अगर कोई काम कर रहा होगा तो उन्हें सजा दिलाने का काम इसी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आम आदमी पार्टी एक रास्ते पर जो आम जनता है, आम लोग है, उनके लिए आंदोलन करने वाली पार्टी है। यह कोई राजनीति क्या, कोई खानदानी पार्टी नहीं है। आप ही इस जो नौजवान बैठे हुए हैं, जो आम जनता बैठी है, इसी का एक संगठन आम आदमी पार्टी है। और इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो काम करके दिखाया, जो काम आम जनता के लिए किया, वो इस बीजेपी सरकार के नाक में चुभ रहा था, का नाकों में लस रहा था, आंख में चुभ रहा था, उसके लिए इस आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश रची गई। इस आम आदमी पार्टी ने जो कभी किसी ने ख्वाब में नहीं देखा था, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बंद किया जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को आला दर्जे का बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किया, मनीष सिसोदिया जी ने किया। ये बीजेपी के आंखों में सल रहा था, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का काम किया गया। इसका बदला लेने के लिए अभी आने वाले 13 तारीख को इस जो नौजवानों का पढ़ने का जो हक छीना है, उनको सबक सिखाने के लिए आने वाले 13 तारीख को तुतारी चिन्ह पर मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताई देना है। देखिए, इस देश के अंदर बीमारी किसी को भी हो सकती है। जो पैसे वाला है उसको भी बीमारी लगती है, और जो नौजवान है, जो गरीब है, रिक्शा वाला है, मजदूर है, उसको भी बीमारी लगती है। इन सब का बीमारी का इलाज इस देश के अंदर फ्री होना, यानी कि मुफ्त होना चाहिए। ये ख्वाब आम आदमी ने पार्टी ने देखा और ये ख्वाब पूरा काम करने का दिल्ली और पंजाब में किया। ये काम बीजेपी को देखा नहीं गया, ये काम जो बीजेपी को बड़े लोगों को पालने के लिए करना था, ये आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने किया। उन्हें सुरेश जैन साहब को आरोग्य मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनको जेल में डालने का झूठे मुकदमे में काम किया। इसका जवाब लेने के लिए आने वाले 13 तारीख को इनको मोहर लगानी है अपने तुतारे वाले आदमी को। देखिए, इस देश के अंदर हमने जो जनता है